बलिराम नाइक। अभी यहाँ पे बहुत सारे हम लोग इंश्योरेंस फील्ड से ही है, मैं भी वही फील्ड से हूँ। आज यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आज होना चाहिए था, इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। लास्ट चार सेशन मैंने बंसोड़े विनीत बंसोड़े सर के साथ अटेंड किए, वो करते करते उन्होंने जब मुझे बताया कि नॉर्मली हम अपने हिसाब से काम चल रहा था अपना, रीजनिंग और रिएक्शन, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे थे हम लोग कभी, सिर्फ रीजनिंग, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो और लोगों की वजह से नहीं हुआ, घर वालों की वजह से नहीं हुआ, और मेरी गलतियां नहीं थी वहां पे, और उसका रिएक्शन हम लोग घर में करते थे अपने फैमिली के साथ में। जब मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड किया, उन्होंने मुझे सिग्नेचर चेंज करने को कहा कि थोड़ा सा सिग्नेचर में चेंज ला, मैंने सिर्फ सिग्नेचर चेंज करना चाहा और वो प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। बाकी मैंने ए टी बी कुछ नहीं सोचा, ना होमवर्क किया ना कुछ नहीं, खाली सिर्फ मैंने सिग्नेचर पर कॉन्सेंट्रेट किया। डे वन से मैं आज सुबह तक एवरी डे मॉर्निंग में मैं सिग्नेचर 50 सिग्नेचर मिनिमम रोज कंप्लीट करता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे मेरी फैमिली पूछने लगी कि आपने सिग्नेचर किया कि नहीं, समझ गए? जो लफड़ा मैं घर पे आके दुनिया भर का करता था वो उल्टा होना चालू हो गया। कुछ बीवी तो सुबह उठते कुछ देखती है, ढूंढती है, ये बैठा है किधर, सिग्नेचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे लोग शाम को पूछते हैं कि भाई ये सिग्नेचर किया कि नहीं, इसने प्रूफ देखा जाता है, मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने लाया है प्रूफ कि मैं यहाँ पे सिग्नेचर करता हूँ, ये इतना पूरा पेजेस मैंने सिग्नेचर किया है, रोज करता हूँ, ये करवाते है, खाली करता नहीं हूँ करवाते है। क्योंकि क्या हुआ, मैंने मेरी मिस्टेक ढूंढना चालू कर दिया, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ से गलत हो रहा है मेरे से, ये ढूंढने की वजह से मुझे मेरी गलतियाँ समझ में आने लगी, उनको फ़ायदा होने लगा। जब कोई फ़ायदा होता है जिसका, तो ऑटोमेटिक फ़ायदा लेने को तैयार होता है, वैसे फैमिली वाले चालू हो गए। क्लाइंट के साथ में मेरा बिहेवियर और बढ़ गया अच्छा, क्योंकि मैं खुद गलतियाँ नहीं करने का सोच के जा रहा हूँ। और ये 2 महीने के पीरियड में मेरे फैमिली में जिस दिन से मुझे सिग्नेचर चेंज करने को और प्रैक्टिस करने चालू किया मैंने, उस दिन के बाद आज सुबह तक एक भी झगड़ा नहीं हुआ है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो पहले भी बताया कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो मुझे यहाँ आना था, अब यहाँ के साथ इनके साथ मैं कितना रहूँगा ये भी मुझे पता नहीं है, ये वो सब ऊपरी वाले के ऊपर छोड़ दिया। मेरा काम है खाली सिग्नेचर कंटिन्यू रखना है। थैंक यू।